हेलो गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम टू आर टेक्स बुक बिहार और मैं प्रेस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्सबुक पर और जल्दी फटाफट बता दीजिए कि मेरा ऑडियो एंड द वीडियो क्लियर है आप लोगों को इज द ऑडियो वीडियोज़ क्लियर और नॉट एक बार बता दीजिए मुझे फिर मैं आगे बढ़ू इज द ऑडियो वीडियोज क्लियर और नॉट बता दीजिए मुझे एक बार फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और क्या क्या चल रहा है चलिए उत्कर्ष उपाध्याय अंकिता सिंह एंड उत्कर्ष उपाध्याय इज द ऑडियो वीडियो क्लियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन आज का तो क्वेश्चन आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे थोड़े रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन आज के तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं एक दो दिन बाद हम लोग टॉपिक वाइज उसको स्टार्ट करें तो बहुत ही जल्द आपको टॉपिक वाइज भी मिलने वाला है आज आज अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में नहीं हुई थी कल से आप लोगों की सुबह सात बजे अफेयर्स की क्लास है तो उस क्लास में आना मत बोलिएगा टेस्ट बुक यूपी पे क्लास होगी वो ठीक है बट चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड मॉर्निंग में आज नहीं हुई बेटा कल से होगी ठीक है चलिए और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपका एल टेस्ट बुक पास है आपकी सेल चल रही है यहाँ पर और अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार पी एस सी एस यू पी एस एस या फिर और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की और आप पास मॉक लगाने के लिए कोई एक सोल्यूशन नहीं है एक स्थान नहीं है तो जाके आप आज ही इस टेस्ट पास को खरीद लीजिए जहाँ पर आपको पूरे साल के लिए एक साल तक किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी टेस्ट बुक का या किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी मॉक को खरीदने की जरूरत नहीं है सारे मॉक सारे प्रैक्टिस सेट सारे क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा अवेलेबल मैटर होगा यहाँ पर कि लगाते लगाते थक जाओगे लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होंगे तो आज ही जाइए इसको आज ही जाके इसको परचेज करिए और यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा यहाँ पर एपीएस पास इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर एपीएस पास तो आपको यहाँ पर दस परसेंट का ऑफ मिल जाएगा सीधे सीधे दस परसेंट भी नहीं मिल रहा है आज आपको कितना मिल रहा है बेटा सीधे सीधे एक सौ पच्चीस रुपए का आपको क्या मिल रहा है आपको यहाँ से ऑफ मिल जाएगा तो इसको जरूर आप लोग करिए आज परचेज कर लीजिए अगर नहीं किया है तो ठीक है चलिए मैं बढ़िया एकदम बेटा आगे बढ़ते हैं और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगी यहीं पर मिलेगी एपीएस टेक्सट बुक के नाम पर ठीक है बात आगे बढ़ेगा अब मैग्नेट फिलिंग मेड ऑफ एक चुंबक से बने भराओं को आकर्षित करता है कौन अब देखो जो मैग्नेट है मैग्नेट से आपके स्टेट पीसेस वगैरह में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी पूछी जाती है नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड आपकी पूछी जाती है किधर सेधर चलती है और आपकी अर्थ की ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है तो मैग्नेट यानी कि चुंबकत्व के बारे में सवाल आपके बहुत सारे बनते हैं जैसे कौन सा मैटर आपका फेरोमैग्नेटिक होगा कौन सा जैसे इसमें ही पूछ दिया चुंबक से बने भराओं को आकर्षित कौन करेगा कौन उसको अट्रैक्ट करेगा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कहां से कहां तक जाती है नॉर्थ टू तो साउथ जाती है साउथ टू तो नॉर्थ जाती है तो ऐसे करके सवाल इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं जरा बताइए फटाफट आप लोग अंकिता ऋतु कुमारी एंड उत्कर्ष उपाध्याय जी चलिए तो यहां पर बेटा ये करेगा कि उसको आयरन और स्टील को करेगा आयरन एंड द लोहा लोहा याद रखिएगा लोहा जो है लोहा सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है किसके लिए आयरन मतलब मैग्नेट के लिए लोहा इज द राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड द स्टील भाई पहला आंसर होगा रितु कुमारी ने सही दिया है आपका उपाध्याय जी ने दूसरा दिया है बट आय एंड द द द स्टील इज करेक्ट आंसर हो जाएगा से ठीक है एंजाइम दैट पेप्सिन रिक्वायर्स फॉर मीडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग पेप्सिन एंजाइम को उचित कार्य करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए एसिडिक चाहिए बेसिक चाहिए या फिर न्यूट्रल चाहिए तो ऐसे करके जितने भी ह्यूमन एनाटोमी होती है जितना भी मानव के बारे में जो भी फंक्शन हैं चाहे वो एंजाइम के बारे में हो चाहे वो हॉर्मोन्स के बारे में हो चाहे वो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में हो इम्पोर्टेंट बोन्स के बारे में हो इम्पोर्टेंट आपके मसल्स के बारे में हो ये सारे बेसिक जो पॉइंट हैं वो हमको क्या करने पड़ेंगे अभी ह्यूमन अमी एनोटॉमी पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे कि भाई डिजीजेस क्या, क्या क्या हो जाएंगी क्या क्या इसमें चेंजेस जाएंगे राइट बताइए फटाफट नैनी मै दूसरा आंसर पर एसिडिक मीडियम चाहिए वेरी गुड यहां पर मीनो मोना कुमारी स्टडी केयर एंड अमोल चौगले जी ने आंसर दिया है वेरी गुड तो आप कैसा चाहिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए कैसा चाहिए बेटा एसिडिक मीडियम चाहिए तो एसिडिक इज द राइट आंसर ठीक है बात आगे बढ़ते हैं चलिए

चलिए बेटा ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया आपकी बीमारी होती है ल्यूकेमिया डब्ल्यू बी सी की बीमारी होती है ल्यूकेमिया और ल्युकेमिया को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉस्फोरस थर्टी टू का यूज करते हैं फॉस्फोरस थर्टी टू का यूज करते हैं देखिए फॉस्फोरस थर्टी टू इज द right राइट आंसर वेरी गुड यहाँ पर किसने आंसर दिया रितु कुमारी जी ने सही आंसर दिया है कोवर्ड के कहाँ करेंगे जो हमारा स्टडी करने आंसर दिया है कोवल्ड सिक्सटी और मिनल देगुड़े जी भी यहाँ पे कोवर्ड सिक्सटी आंसर दे रही है तो कोवल्ड सिक्सटी का यूज करते हैं ये हमारा जो कैंसर होता है कैंसर के मरीजों को कोवर्ड सिक्सटी किया जाता है जरा बताएं कोवल्ट ब्लड कैंसर में वेरी गुड बहुत आगे ऊष्मा का कुचालक होता है आएरन, सिल्वर और से कौन का कुचालक होगा तो ऐसी चीजें जो कि हीट और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या करेंगी यहाँ पर वो इसकी कुचालक हो जाएंगी ठीक है बात चलिए कौन ऊष्मा का कुचालक है इबोनाइ या फिर आपका आ जाएगा आयरन या फिर आ जाएगा यहाँ पर सिल्वर या फिर आएगा आपका कॉपर चलिए ईवो तो नॉट हो जाएगा देखो आयरन बोले तो ये भी मेटल है सिल्वर भी है कॉपर भी है तो ये जितने मेटल्स होंगे वो सारे ऊषमा के क्या होते हैं शुचालक होते हैं यानी कि कंडक्टर ऑफ द द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं राइट लेकिन पर ये उषमा का कुछ अलग होगा तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ बोन्स इन द दम ऑफ हैंड अब ये तो मैं पहले भी करा चुका हूं आप लोगों को ये सवाल बहुत ही आसान है और इसमें मतलब कुछ पूछना ही नहीं है लेकिन फिर भी लोग गलत लगा देते हैं इसमें चलो नंबर ऑफ द बोन्स नंबर ऑफ द बोन्स इन द थम ऑफ हैंड हाथ के अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं मैं पहले भी करा चुका हूं अभी देखते हैं कितने लोग सही देते हैं इसके तो उंगली की बात की उंगली में देखो तीन पार्ट होते हैं एक ये हो गया दूसरा हो गया इधर इधर तीसरा हो गया तो तीन तीन हड्डियां होती हैं यहाँ पर ठीक है अंगूठे में बात करें तो अंगूठे में दो ही होती है एस्टी केयर तीन लगा रहे बेटा तीन कहाँ से हो गए तीन कहाँ दिख गई बेटा ऐसे अगर देखोगे आप इधर तो एक ए हो गया पोर्शन और एक ये हो गया दो ही तो हड्डियां हैं यहाँ पर तीन कहाँ से हो गई दो हड्डियां ओनली अंगूठे में दो हड्डियां होती हैं राइट उंगलियों में तीन होती हैं ठीक है स्टडी केयर तो दो हो जाएंगे उंगलियों में कितनी हो जाएंगी बेटा तीन हड्डियां हो जाएंगी ठीक चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहां से आता है बेटा कि ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्िंथोलॉजी किसका एक अध्ययन है स्टडी ऑफ द प्लांट्स स्टडी ऑफ द मैप्स स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड ऑरिथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसका एक अध्ययन है पौधों का अध्ययन है मानचित्रों का अध्ययन है या फिर आपका मानव व्यवहार का अध्ययन है या फिर आपका पक्षी का अध्ययन है किसका अध्ययन जरा बताइए वेरी गुड सीडीएस जो जुनून बैच चल रहा था उसमें। ठीक, अभी तो थोड़ा उसको पॉस किया गया। आगे चल के भी क्लास शुरू होंगी जब उसका एग्जाम आएगा तब क्योंकि अभी अब अच्छे भी पे कमी आ रहे थे और अभी जब एग्जाम आएगा तब जरूरत होती है तभी उसको चलाएंगे अभी ठीक है अभी तो उसको थोड़ा सा पॉज किया गया ठीक है चलिए ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द

हो जाएगा ठीक है और मानचित्रों का अध्ययन हो जाएगा कार्डियोग्राफी हो जाएगा ठीक है वेरी गुड बढ़िया आगे बढ़ते हैं जूल हाँ तो एक जूल में कितने अर्ज होते हैं अर्ज भी आपकी एनर्जी की इकाई है और आपका जूल भी है वो भी आपकी किसकी इकाई है आपकी एनर्जी की इकाई है तो एक जूल में कितने अर्ज होते हैं हॉर्स पावर क्या होती है बॉल्ट क्या होती है पावर क्या होती है जितनी भी आपकी एनर्जी की यूनिट्स हैं ये सारी सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी से कई बार सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं राइट चलिए

एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर नाभियत दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बनाई गई छवि की दूरी क्या होगी जरा बताइए इसका आंसर लगाइए फटाफट इसको सॉल्व करिए आप 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 लोग लोग चलिए सेकंड सेकंड का टाइम दे रहा लोगों को को में सवाल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ये आपका मैंने आपको होमवर्क दिया था पहले ये और बोला था आप लोगों से कि जितने फॉर्मुले आपके हैं उनको क्या करिए याद कर लीजिएगा देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको याद किया है नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको कराऊंगा ही डोंट वरी चलिए बेटा लगाइए इसको आंसर चलो तो किसकी बात हो रही है यहां पर बात हो रही है बेटा किसकी आपके ऑब्जेक्ट प्लेसों के मिरर की बात हो रही है तो मिरर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए वेरी गुड माइनस थर्टी आंसर आया प्रशांत का प्रशांत माइनस थर्टी आंसर आया है मिनल का भी माइनस थर्टी सेंटीमीटर आंसर आया, आया। है चलिए कोई बता सकता है मुझे इसमें मिरर फॉर्मूला जो लगाया जाएगा उस मिरर फॉर्मूला क्या होता है एनी कोई भी वाट इज द मिरर फार्मूला

वेरी गुड बहुत बढ़िया बनपान बनपान भाई बी प्लस बनपान यू इज टू बनपान एफ देखो अब यहाँ से मिरर देखो रखा गया मिरर रखा गया तो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फॉर्म कौन के मिरर ठीक है अगर ऐसे इसको देखें अगर, अगर अपन लोग तो अब ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी माइनस हो जाएगी यू इज हो जाएगा अगर बोले तो आप फ्रॉम फोकल एंड से फोकल एंड एफ स्क्ल टू कितना हो जाएगा इसका माइनस दस हो जाएगा ए माइनस दस हो जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म तो बनपान वी बन प्लस बन U, टू कितना हो जाएगा? बन, अपान F हो जाएगा। तो बन अपान हमको क्या निकालना वी निकालना है v निकालना तो इधर माइनस वन अपान यू चलेगा एफ माइनस वन अपान यू हो जाएगा, जाएगा इधर ठीक है क्लियर चलिए आगे देखते चलिए अब क्या हो जाएगा इधर? हम लोगों को तो बी इज्कल टू हो जाएगा बनपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू यानी कि माइनस बन अपॉन टेन और प्लस हो जाएगा बन अपॉन फिफ्टीन तो इधर जाएगा फिफ्टीन

श्वास नामक नालियों के जाल के किसमें श्वसन अंग पाए जाएंगे इंसेक्ट अर्थफॉर्म फिशेस या फिर आपका चलिए आंसर दीजिए बेटा जल्दी से कीट पतंगों में पाए जाएगा इंसेक्ट में पाए जाएंगे कीटों में पाए जाते हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया कीटों पाए जाते हैं अच्छा मुझे एक बात बताइए जो आपका जो केंचुआ होता है अर्थवॉर्म ये कहाँ सांस लेता है केंचुआ या अर्थफॉर्म किस जगह से सांस लेता है इसके लिए श्वास के लिए इसमें क्या पाया जाता है एनिम कोई बता सकता है मुझे इंसेक्ट तो ठीक है यहाँ पर लेकिन केंचुआ की बात करें अगर तो केंचुआ जो है कहाँ से सांस लेते हैं मछली का तो पता है मछली गड़फड़े होते हैं मछली में गड़फड़े होते हैं लेकिन केंचुआ में कैसा कुछ होता है केंचुआ कहाँ सांस लेता है जमीन के अंदर भी रहता है और जमीन के अंदर रहता है दूसरी बात है कि पानी में भी आपका रहता है ये तो कहाँ सांस लेता है स्किन से लेता है वेरी गुड किसने आंसर दिया है आपका अमोल अंकिता और पर और आपका मिनर आंसर दिया है वेरी गुड केंचुआ जो है स्किन से सांस लेता है स्किन से लेता है और मछलियों की बात करें तो ये गिल्स से लेता है गिल्स ठीक है अच्छा फ्रॉग कैसे लेता है फ्रॉक अगर फ्रॉग की बात करें मेढक की बात करें तो मेढक सांस जो है कहां से लेता है फ्रॉक या मेढक की बात करें मेढक जो है सांस वो कहां से लेगा है नहीं बन आप ऐसे कोई भी आंसर लगाइए बेटा फ्रॉग या मेढक आपका सांस जो है वो कहां से लेगा बताओ बेटा जल्दी से वेरी गुड स्किन लंग्स लंग्स स्किन लंग्स लंच 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 कैसे हो जाएगा बी एस लंच तो नहीं होगा आपका स्किन और गिल्स लेता है स्किन और गिल्स गिल्स से लेता है राइट स्किन से भी लेता है जब वो जो मेढक होता है मेढक अपना जब जमीन में रहता है और कई सारे ऐसे मेढक होते हैं जो जमीन में रहते हैं कई सालों तक छे छह महीने तक हाइबरनेट की पोजीशन चले जाते हैं और वो स्किन से सांस लेते रहते हैं आप देखा होगा कि बड़ी गंदे से घिनौने से मेहनत निकलते हैं कभी कभार बरसात के टाइम पर सूखे वाले जो जो जमीन पर रहते हैं ठीक है चलिए उससे सुंदर तो वो लगते हैं जो पानी में रहते हैं वो हरे पीले वाले वो ज्यादा सही लगते हैं लेकिन जो जमीन से निकलते हैं बड़े घिनौने और गंदे लगते हैं यार ठीक है ऐसा लगता है पता नहीं बूढ़े बूढ़े हो गए आगे देखते हैं इधर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स निम्निखित में से किस जलीय जंतु में आपके गलफड़े नहीं होते हैं ऑक्टोपस स्क्विड क्लाउन फिश या फिर वेल जरा बताइए चलिए बताइए जल्दी से बेटा विच ऑफ हैव द गिल्स निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं ऑक्टोपस स्क्विड क्लाउन फिश एंड चलिए

ट्रिटिकम एस्टोम निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है तो मैंने आपको होमवर्क एक और दिया था कि साइंटिफिक नेम आप लोग जरूर याद कर लीजिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके आसपास दिख रही हैं जो भी आप खा रहे हैं जो भी आपको जानवर दिख रहे हैं जो भी आपके सामने पेड़ दिख रहे हैं उन सबके जो मेनली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ट्रीज जो बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं या ऐसी स्पेसिज जो इंडिया में पाई जाती है उनके सबके साइंटिफिक नेम एक बार आप कॉपी में लिख लीजिए और एग्जाम एग्जाम्स उसको एक बार देख लिया करिए राइट चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा वीट का नाम है ट्रिटिकम

या फिर ऊर्जा एक छत्र चक्र में स्थिर गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बना रहता है आंसर लिख लिया, उसको याद भी कर लीजिएगा मिनल चलो एक फॉर अ स्पीड इन अ इनिजेंटल सर्किल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट जरा बताइए अगर घूम रही है सर्किल में इस तरीके से चलो स्पीड उसकी क्या हो रही है सर्किल में स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड आपकी कांस्टेंट है अगर स्पीड कॉन्स्टेंट यहाँ पे स्पीड सेम है यहाँ पे स्पीड सेम है यहाँ पर भी स्पीड सेम है तो एक्सेलेशन तो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा एक्सेलेशन जो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलेगी क्योंकि उसका डायरेक्शन सर्किल में हर पॉइंट पर बदल रहा है और जब डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी ये बदल जाएगी तो वेलोसिटी भी यहाँ पर बदल रही है यहाँ पर अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में क्या होता है एम भी होता है ये भी आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है मोमेंटम तो मोमेंटम भी बदलेगा ये भी आपका कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा लेकिन जो कानेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मला होता है इसका होता है बन अपान टू एम और पहले सवाल ने बोल दिया है कि स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होती है लेकिन डायरेक्शन दोगे तो वो वेलोसिटी वेलोसिटी या हो जाएगी तो वेलोसिटी के यहाँ पर डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए होता है मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसकी वैल्यू चाहिए होती है और वैल्यू रख देंगे तो आपको तो आंसर वही मिलेगा तो कॉनेटिक एनर्जी जो जाएगी वो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहने वाली है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा कॉनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी एयर वाटर स्टील केरोसिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी एयर वाटर स्टील केरोसिन एंड बताइए एनीवन किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी एयर वाटर स्टील एंड द दोसिन चलिए ध्वनि की गति अधिकतम होगी तो सिंपल सी बात ये होती है बेटा कि जो पहले तो अगर साउंड की स्पीड की बात करें बता चुका हूं सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी फिर लिक्विड में होगी फिर आपकी गैस में होगी इधर और यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये गैस है ये लिक्विड है और ये क्या हो जाएगा स्टील स्टील में सबसे ज्यादा होगी स्टील क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा स्टील में सबसे ज्यादा होगी ठीक है बात स्टील में सबसे ज्यादा होगी वेरी गुड

What is the over enrichment of the water by the nutrients such as nitrogen and the phosphorus? Anyone answer this, beta Eutrophication, acidification, water pollution, or the hydrophication? Anyone? चलिए आंसर हो जाएगा बेटा इसका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है पानी में जाने से यहाँ पे जो शैवाल वगैरह होते हैं ये थोड़े से बढ़ जाते हैं जो पानी का देखा होगा पूरा पूरा क्योंकि तालाब देखा होगा आपने पूरा हरा बना हुआ है ऊपर ऐसे लगता है कि पूरा लोगों ने कब्जा बना रखा है पानी दिखता ही नहीं उसका तो ये सब किसकी वजह से होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकतम अधिकता की वजह से होता है कि वहाँ पर जो पूरे जो प्लांट्स वगैरह हैं जो आपके एक्ट्रिक प्लांट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा वहाँ पर हो जाते हैं राइट चलो आगे बढ़ते हैं वेरी गुड सवाल ऐसा कला आता है कि हु प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनमें से रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है बताइए बेटा वो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है इसमें लेफ्ट आर्टियम रोकेगा सेप्टम रोकेगा पल्मोनरी आर्टरी रोकेगी या फिर आपका बाल्ब रोकेगा इनमें से कौन रोकता है रक्त के प्र, प्रतिवाह को चलिए लेफ्ट आर्टियम सेप्टम पल्मोनरी आर्टरी या फिर वाल्व्स एनीवन वेरी गुड आंसर आ रहा है यहां पे कितना आ रहा है चलिए बाल होगा इसमें देखिए जब भी देखो तो रक्त के बाल तो कहां पर आ जाते हैं दो सवाल पूछा तो है बाल लगाते हैं तो एक तो आपका आर्टरीज होती है आर्टरीज में आपका शुद्ध ब्लड जाता है आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है ठीक है और एक आपकी वेन्स होती है इसमें आपका इम ब्लड जाता है ठीक वेन्स में से करके बाल्ब लगे होते हैं और सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस किसमें जो आपके बाल्ब में जो पाए जाएंगे तो याद रखिएगा वेन्स में पाए जाते हैं वेन्स में में आर्टरीज नहीं पाए जाते हैं वेन्स में पाए जाएंगे बाल्ब याद रखिएगा और जो आपके बाल्ब होंगे ना यही क्या करते हैं रक्त के प्रवाह को रोकते हैं तो डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं सवाल अगला आता है कि यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज लेंस के लेंस के शक्ति की ऐसा इकाई क्या है रे किलो किलोजूल्स डायप्टोर एंड द लेंसेज ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज लेंस के शक्ति की ऐसा SI इकाई क्या है रे किलो जूल्स डाइप्टर और बताए बेटा वेरी गुड ये क्लास डेली होती है रोहित झा रोहित झा अच्छा ये रोहित झा वही जहरीला जारील, जहरीला है क्या चलिए लेंस के शक्ति की एसआई SI इकाई क्या, क्या होती है रे किलो किलो जूल्स डाइप्टर और द लेंसेस तो पावर किसे नापते हैं इसके डायप्टर से नापते हैं डाइप्टर से नापते हैं ये आपकी क्लोजूल वगैरह हो गई एनर्जी आपकी ऊर्जा की हो गई एनर्जी को नापने के लिए हो गया ठीक है बात आगे बढ़ते हैं चलिए बढ़िया अगला सवाल आते हैं से देखते हैं देखते बेटा क्या आता है कि ब्रास इज एन ऑफ द कॉपर एंड वॉट पीतल तांबा और किसकी एक मिश्र धातु है जिंक जस्ता टिन आयरन और द सिल्वर इनमें से किसकी एक मिश्र धातु पाई जाएगी हमारी कौन सी ब्रास जरा बताइए

तो पृथ्वी से की सूरज तक की दूरी जो नापी जाती है एक्चुअली देखा जाए तो क्या होता है तो सूरज कहीं यहाँ पर है ये डिस्टेंस कम है ये फोर्टीन पॉइंट सेवन है और ये कितनी है फिफ्टीन पॉइंट टू है तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर तो है नहीं हम ये भी नहीं कह सकते भाई डिस्टेंस जो है बराबर है तो क्या क्या जाता है इसमें जो ये वाली डिस्टेंस होती है और इसका एवरेज लिया जाता है एवरेज निकालने के बाद जो हमारी यूनिट निकलती है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं क्या जानते हैं बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं ये निकालने के बाद ठीक क्योंकि ये इधर जो है वो कम दूरी है इधर ज्यादा दूरी है तो कोई हम तो बराबर मान नहीं सकते तो एवरेज निकाला जाता है इसमें उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ठीक है आगे बढ़िया चलिए अगला सवाल आता है यहाँ से क्या आता है द वाई फाई ऑपरेट्स ऑन द बिच फ्रिक्वेंसी वाई फाई कौन सी फ्रिक्वेंसी है कौन सी आवृत्ति पर काम करता है अल्ट्रावायलेट एक्सरे इंफ्रा रेट ऑन द रेडियो द वाई फाई ऑपरेट्स ऑन द बिच फ्रिक्वेंसी वाई फाई किस आवृत्ति पर काम करता है अल्ट्रावायलेट एक्सरे इंफ्रा रेट एंड द रेडियो चलिए हाँ सात बजे पे क्लास है आज उत्कर्ष उपाध्याय जी सबको लेके आइएगा पूरे गली मोहल्ले वालों को सारे सारे आ जाने चाहिए सात बजे पहली क्लास है और आपने शेड्यूल आपको दे दिया टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेंगी वाई शेड्यूल में चलेंगी तो आपकी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब कुछ उसमें कवर होगा टॉपिक वाइज चलेंगे उसमें हम लोग तो कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो आप जितने भी लोग क्लास करना चाहते हैं वो लोग सात बजे आ सकते हैं पेड वाले में बैच में राइट चलिए द वाई फाई ऑपरेट्स ऑन द बीच फ्रिक्वेंसी वाईफाई किस आवृत्ति पर काम करता है अल्ट्रा वायलिट एक्सरे इनफ्राइट रेडियो चलिए आंसर किया लोगों ने इन्फ्रा दिया किसी ने रेडियो दिया तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है वाईफाई वाई फाइ ब रेडियो फ्रिक्वेंसी लेकिन अगर जो रिमोट वगैरह की बात करें तो रिमोट वगैरह जो चलते हैं वो इन्फ्रारेड पे चलते हैं ठीक है थीके? और जो सैटेलाइट पे कम्युनिकेशन किया जाता है वो आपका माइक्रोवेव से किया जाता है कई बार लोग इसमें रेडियो वेव लगा के चले आते हैं बट जो मोस्टली प्रेफरेबल होती है देख रेडियो वेव भी रेडियो वेव का भी यूज करते हैं लेकिन जो प्रेफर्ड होती है जो जो ज्यादा यूज होती है वो होती है आपकी माइक्रोवेव क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है छोटी होती है तो एटमोस्फेयर को पेनिट्रेट करने के लिए छोटी वेवलेंथ उनको चाहिए होगी ठीक है बात चलिए चलिए

ये तो मैं करा चुका आप लोगों को ये आंसर नहीं होगा बेटा रोहित यहाँ पे ऑल आंसर होगा देखो सिंपल सी बात है ना जब कभी भी किसी पानी की बूंद से आपका वो टकराएगी लाइट तो इसमें कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ लाइट जो हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ आपकी क्या हो जाएगी डिस्पर्स हो जाएगी जिसकी वजह से हमको रेनबो देखने को मिलेगा तो ऑल ऑफ द द करेक्ट आंसर उपरोक्त इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं सवाल ऐसा आता है ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द आयरन रॉड अदर एंड ऑल्सो गेट्स हीटेड सच मटेरियल और कॉल्ड लोहे की छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ द हीट कहा जाएगा गुड इंसुलेटर ऑफ द हीट कहा जाएगा सेमी कंडक्टर ऑफ द हीट कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा हीटर कहा जाएगा जरा बताइए एनिवन लोहे की छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ऐसे पदार्थों को कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ द हीट गुड इंसुलेटर ऑफ द हीट सेमी कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द हीटर जरा बताए एनिवन

फिस आपकी जो देखिएगा सिंपल सिंपल बात बताए आपको वाइटमिन का भी स्रोत होती है प्रोटीन का भी स्रोत होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो स्रोत होती है वो किसका होती है प्रोटीन यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है प्रोटीन के अलावा इसमें वाइटमिन ए डी और e ई पाई जाती है इसमें मछली में ठीक है चलो वेरी गुड तो सी इज द राइट आंसर प्रोटीन यहाँ पर वाइटमिन वाइटमिन पाई जाती है लेकिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाएगी इसमें आगे बढ़ते हैं चलो ये सवाल हटा देते हैं इधर बोन एंड द काटलेजार हड्डी और उपास्ते क्या होती है जरा बताइए बोन एंड द काटलेजार्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मस्कुलर टिश्यू होते हैं फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बोला जाए कनेक्टिव पावर प्रॉपर टिश्यू होते हैं इनमें से क्या होते हैं आपके बोन हड्डी और उपास्थि क्या है कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू चलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू चलो आंसर दीजिए बेटा फटाफट का आंसर हो जाएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कंकाल संयोजी ऊतक ठीक है बात कंकाल संयोजी ऊतक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आंसर हो जाएगा बेटा हड्डी और उपास्थि क्या हो जाएंगे आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे ए इज द राइट आंसर ठीक है बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर चलो सवाल यहाँ से आता है कि द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज ध्वनि के माप की इकाई क्या हो जाएगी जरा बताइए ध्वनि के माप की इकाई यहां पर क्या हो जाएगी चलिए बेटा बताइए ध्वनि के माप की इकाई इनमें से क्या हो जाएगी तो ये भी आसान सवाल है मैंने आपको पूछा था कि जितनी भी आपके ऐसा यूनिट है वो आप लोग याद कर लीजिए एक बार द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नॉइज तो हो जाएगी बेटा डेसिबल डेसिबल इज द करेक्ट आंसर ठीक है डेसिबल इज द राइट आंसर आगे बढ़ते

जीरो डिग्री एक्यूट एंगल राइट एंगल और द एंगल सात पीएम क्लास का रिमाइंडर कब तक जाएगा यूट्यूब पर देखता हूँ देखता हूँ चेक करता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्टिव राइट आंसर अधिक कौन है अधिक अधिक अधिकल बोलेंगे इसको एंगल बोलेंगे राइट right? आगे बढ़ते हैं इधर वेन स्टीम इज फास्ट ओवर द हॉट कोक इट प्रोड्यूस जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजरती गुजारी जाती है तो यह क्या उत्पन्न करती है प्रोड्यूसर गैस सिंथेटिक गैस टीयर गैस या कोल गैस आंसर दीजिए बेटा जब भाप गर्म कोप के ऊपर से गुजारी जाती है तो यह क्या उत्पन्न करती है प्रोड्यूसर गैस सिंथेटिक गैस टीयर गैस या फिर आपका कोल गैस चलो वेरी गुड जरा बताइए फटाफट कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर गैस निकलेगी यहाँ पर सिंथेटिस गैस निकलेगी सिंथेटिस गैस आगे बढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली कोशिका स्तभक निस्पन्धन में सामान्य रूप से शामिल नहीं होगा क्या क्या शामिल नहीं होता है यहाँ पर एलिमेंट जो है वो नहीं पाया जाता है इसके अलावा आपका ग्लूकोज की बात करें सोडियम क्लोराइड और क्रेटिन तीनों पाए जाएंगे आपके पर कोशिका में राइट आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक कहा ट्रांसन एलिमेंट निम्नलिखित में से तत्वों के किस ब्लॉक को संक्रमण रासायनिक तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट जरा बताइए इनमें से क्या कहा जाएगा निम्नलिखित में तत्वों के किस ब्लॉक को संक्रमण रासायनिक तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट एंड द एस ब्लॉक एलिमेंट आंसर दीजिए बेटा जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट को ट्रांजिशन कहा जाएगा ठीक है बात वेरी गुड चलिए ग्रुप थर्ड ग्रुप हाँ तीन से बारह डी ब्लॉक वेरी गुड ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक है बात आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है

टेरेस्ट्रियल बॉडीज या फिर आपका ऑल ऑफ द चलिए बेटा न्यूटस लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर चलिए आंसर हो जाएगा इसका बेटा पॉइंट 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 मास नहीं होगा मास के लिए लार्ज मास के के लिए के लिए बॉडीज दो कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन दो ऑब्जेक्ट में अगर मास है तो उसके लिए न्यूटन्स का लॉ जो वैलिड है राइट आंसर ठीक है बात आगे बढ़िए चलिए सवाल अगला आंसर आते हैं वॉट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है गैजिला या फिर आपका एरडियोटिस आपका जाएगा आप एरिस या या फिर आपका जाएगा इक्विस कैबुलस आंसर दीजिए बेटा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है गैजिलास एरडियोटिस नेग्रेसिप और द इक्विस चलो आंसर दो बेटा यहां से चलो बेटा आंसर दीजिए यहां पर पोल नहीं है ना इसलिए कम आते हैं पोल वाले में ज्यादा आते हैं चलिए आंसर दीजिए बेटा से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा आपका कौन सा एरिडिटिस ये हो जाएगा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है बात आगे बढ़ते हैं विदोलोइंगेब कैन नॉट ट्रांसमिट एनर्जी निम्नलिखित में से कौन सी आपकी तरंगे जो होती है वो ऊर्जा को संचारित नहीं कर सकती है तो ऊर्जा के संचारण के लिए मूवमेंट जरूरी होता है एक मोशन होना और एक मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडन वेब हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब हो चाहे वो ट्रांसवर्स वेब हो इसमें पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे हो चाहे ऐसे हो रहता है लेकिन इधर आपका जो स्टेशनरी वेब होती है स्त्री तरंगे होती है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हमारा मूवमेंट जो है वो नहीं रहता है ठीक है बात आगे बढ़ते हैं चलिए सवाल अगला आता है कि दा तो डिटेक्ट फ्लो ऑफ द करंट इन सर्किट सर्किट में धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए इनमें से किस चीज का जो उपयोग है वो किया जाता है एनी वन आप में चंसर लगाई बेटा सर्किट में धारा का प्रयोग करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है चलो तो जल्दी से वेरी गुड मूविंग कॉय किलोमीटर दे रहे हैं आप लोग आंसर देखो जब भी कभी ऐसा सवाल तो करंट को लेके कंफ्यूज मत होइएगा देखो करंट की अगर प्रॉपर वैल्यू निकालनी हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं एम्पियर का यूज करते हैं मतलब उसका एमीटर का यूज करते हैं लेकिन अगर पूछा जाए वो से डिफ्लेक्शन का पता लगाने के लिए मूविंग कारोमी यूज करेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड वन इज द राइट आंसर मूविंग कॉल किलोमीटर या चल कुंडल धारा इज द राइट आंसर ठीक है बात आगे बढ़ते हैं वेरी गुड अगला सवाल देखेंगे इधर दे. सवाल यहाँ से आता है कि द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द नर्व विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज रीढ़ घड्डी से उठने वाली नसों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है जरा बताइए एनी चलिए, नंबर ऑफ द नर्स विच अराइज रीढ़ की हड्डी से उठने वाली नर्सों को जोड़ने की हो चुका है आप लोगों का आगे बढ़ते फॉलोइंग इसको, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा टेलीग्राम चैनल को क्लास के पीडीएफ लिंक वगैरह के लिए यहां पर विच ऑफ दॉल्ट आर यूज इन द फोटोग्राफी फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लबल का उपयोग किया जाता है एजीसीएल एजीबीआर, एजीआई और ऑल ऑफ जरा बताइए चलिए एनी वन आंसर दीजिए बेटा

पेनकैटिक द माउथ डाइजेस्टिव जूस एंड द बाइल जूस चलिए पेन चाहिए पेन ले लो भाई चलिए बेटा आंसर लगाइए बेटा

मिनिमम एनर्जी पर फोटोन निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन न्यूनतम ऊर्जा को ले जाती है एक्सरेज माइक्रोवेब्स रेडियो वेब्स और द अल्ट्रा वायलेट रेज चलिए बेटा आंसर दीजिए फटाफट आंसर लगाइए बेटा इधर से चलिए पेन मुंबई में है हम कानपुर तो पेन लेने के लिए मुंबई आ जाइए फटाफट ले जाइए दे दूंगा आगे बढ़ते हैं रेडियो वेब इज करेक्ट आंसर रेडियो वेब यानी कि

चलिए बेटा आंसर लगाइए इधर सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा आपका आंसर वेरी गुड बढ़िया चलो आंसर लगाएं आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सेंटीमीटर फोर्स आप केंद्रा विमुख केंद्र की के तरफ मुख किया हुआ केंद्रा विमुख बोल हो जाएगा इसको ऐसे भी आ जा सकते हो सेकंड वन इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं इधर

यदि एक लिफ्ट के अंदर एक निकाय त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा या देखिएगा तो जब ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो एम जी भीतर लग रहा होगा वेट भी भीतर लग रहा होगा तो, तो कितना हो जाएगा बेटा ये टू डब्ल्यू हो जाएगा लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा ऐसे करके तो आपका ये आपका एम जी लगेगा और ये आपको नॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई कितना हो जाता है फिर ये टू हो जाता है ठीक है तो ऐसे क्या हो जाएगा टू डब्ल्यू हो जाएगा वेरी गुड ऊपर जाने पर ठीक है बात चलिए आगे बढ़ते टू डब्ल्यू होगा डब्ल्यू बाई टू नहीं होगा भाई टू डब्ल्यू होगा अमोल चौकड़ी ने करेक्ट आंसर दिया है टू डब्ल्यू वेरी गुड और किसने आंसर दिया टू डब्ल्यू अमोल चौकले जी ने आंसर दिया है टू डब्लू इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं कोलेस्ट्रोल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति के साथ के कारण होता है यूरोक्रोम लिम्फ वाइल और आपका जाएगा कोलेस्ट्रोल चलिए द येलो कलर ऑफ द द यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मूत्र का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है यूरोक्रोम लिंब वाइल या कोलेस्ट्रोल जल्दी से क्या हो जाएगा यहां से तो पीला रंग किस वजह से होता है बेटा हमारा यूरोक्रोम पाया जाता है यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाता है येलो हो जाता है पीला हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते चलिए सवाल अगला यहां से आता है कि फोर्स ऑफ द डिफ्लेक्शन वॉज द

ब्रॉन्ज इज एन ओलाइ ऑफ ब्रॉन्ज किसका होता है आपका किसका होगा कॉपर एंड द टिन का होता है ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है आगे बढ़ते पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है बोन्स पिलाईमेट्स फॉसिल्स या फिर वर्ड्स पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा बोन्स प्राइमेड फोसिल्स एंड द वर्ड्स आंसर दीजिए बड़े जल्दी से चलिए पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी गुड फोसिल आंसर दिया अमोल ने

नहीं किया है रोज क्वेश्चन लगाइए ठीक है और यहाँ पे मेरा पास यूज कर लीजिएगा एपीएस पास सीधे आपको एक सौ का सीधे सीधे आज आपको ऑफ आप मिल जाएगा और सच मानिए ये पास खरीदने के बाद मैं भी इसको करीब छः साह साल से यूज कर रहा हूँ चार पाँच साल से यूज कर रहा हूँ इसको इसको खरीदने के बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज दूसरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती इतना सफिशियट कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में कि आप आराम से इसको लगा सकते हैं विद द सोल्यूशन तो नहीं परचेस किए आज जाके कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के पी डी एफ एंड द लिंक सब आपको आपको आज ही मिलेगा चलिए फिर मिलते हैं पे लोग नेक्स्ट क्लास में तीन बजे यूपी लेखपाल में तब तक के लिए टाटा बाबा टेक केयर और सात बजे मिलेंगे यूपी टेपल सी पैट की क्लास में ठीक है बात चलिए फिर बाबाई टाटा टेक